हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर शू पॉइंट में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए लखानी पेस और लखानी टच, ये दो ब्रांड लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं बताऊंगा आप टच में लेना चाहिए, लखानी पेस लेना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों से मेरी वीडियो कर लें शेयर। वीडियो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं बताऊंगा दोनों में से कौन सा लें आप, ये ले ब्रांड या ये ले ब्रांड। इसकी 111 ऑलिव कलर है ये लखानी पेस। इसकी एमआरपी 1899 रुपए एमआरपी है, इसमें 1900 रुपए इस पे एमआरपी 1899 1900 रुपए एमआरपी है। देखिए लखानी पेस बहुत प्यारा आर्टिकल है, ये भी अच्छा रहता है, मजबूत पूरा, पेस्टिंग वगैरह में कोई शिकायत आए सही करा के, सोल टूट जाए पीस नया। एक साल की जिम्मेदारी इसकी भी है लखानी पेस की और एक साल की गारंटी की भी है। अब ये टच का भी बहुत बढ़िया आइटम है, बहुत बेहतरीन, दोनों आर्टिकल बहुत जबरदस्त है। ये भी आर्टिकल मतलब लखानी पेस भी बहुत अच्छा है और लखानी टच भी बहुत अच्छा है। अब आपको मैं बताऊंगा इन दोनों में से लेना कौन सा है, आपको लखानी टच लेना है या लखानी पेस लेना है। इसकी भी गारंटी एक साल की रहती है और इसकी भी गारंटी एक साल रहती है। आज हम कंपेयर करेंगे कौन सा ले कौन सा ना ले। अरमान लिख रहा है इसमें, देखिए टच में लखानी वरदान इसमें लिख रहा है, पेस में दोनों टच में और लखानी पेस में एक ही कलर आता है, ठीक है नहीं। और इसके आर्टिकल एक कलर ही आता है इसमें, कैमिल कलर, ये देखिए आप, ये कैमिल कलर है। ये भी लखानी पेस, इसमें पेस लिखा हुआ होगा आपका ऊपर की तरफ, यहाँ पे पेस लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप, ये पेस लिख रहा है इसमें, ये देखिए ये पेस लिख रहा है, इसमें लिख रहा है लखानी टच, ये देखिए। और लखानी वरदान इधर लिख रहा है इसमें पेस में और लखानी खाली टच में लिख रहा है ये, ठीक है ना। कलर इसमें ये भी आता है और एक कलर इसमें ये भी आता है कैमिल। पर क्वालिटी में बताऊंगा दोनों में से कौन सी बेहतर है। इसकी एमआरपी 1999, इसकी एमआरपी 1899। वेद भाई, ये लखानी टच में और लखानी पेस में ओरिजिनल डुप्लीकेट की पहचान क्या है? बहुत जबरदस्त, लखानी टच में और लखानी पेस में ओरिजिनल डुप्लीकेट की पहचान ये है। लखानी पेस और लखानी टच दोनों में से कोई सा नहीं, दुकानदार बेहतरीन होना चाहिए, बढ़िया दुकानदार होना चाहिए, बेहतरीन दुकानदार, पक्का दुकानदार। और लखानी टच हो या पेस हो, इसमें लेस और डिस्काउंट बहुत कम आता है, ना के बराबर, लखानी टच में भी और लखानी पेस में भी। लेस पे ना जाए, क्वालिटी भी जाए, सबसे मेन बात। गारंटी इसकी भी एक साल से 1 से 1.5 साल रहती है, गारंटी इसकी भी 1 से 1.5 साल रहती है। बढ़िया दुकानदार से ले, ऑनलाइन ना ले, ऑफलाइन ले, मुझसे ले या किसी और। ऑनलाइन बहुत लोकल मिल रहा है, बहुत फ्रॉड आ रहा है लोकल, ऑनलाइन ना ले, ऑफलाइन ले, क्योंकि ऐसा है ऑनलाइन में फर्स्ट कॉपी बहुत आ रही है आगरा में, लखानी टच की भी और लखानी पेस की भी, ठीक है ना। क्वालिटी तो वैसे दोनों बेहतर है, कोई ये नहीं कह सकता भाई ये बेहतर है ये बेहतर है, क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं आइटम। अपने अपने चॉइस की बात है आदमी की, भाई ये 100 रुपए कम है तो ये 100 रुपए ज्यादा है, बाकी क्वालिटी दोनों बढ़िया है। मैं ये नहीं, तो दोनों ही क्वालिटी बेस्ट लगती है, ठीक है नहीं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से मेरी वीडियो शेयर करें। कैसी वीडियो।